सहयोगों का प्रेम इतना आधार है कि शब्द सूझ नहीं रहे कि किस तरह से बात की जाए। आपको पता है कि संसार में हर जगह आज सहयोगी उत्क्रांति की ओर, इवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। बहुत से सहयोगी बड़ी ऊंची दशा में चले गए, आनंद के स्रोत उनके अंदर बह रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल निमित्त मात्र होकर के ही संसार में एक विशेष रूप से कार्यान्वित है। लेकिन हर एक देश की एक अपनी अपनी मैं देखती हूं कि परिपाटी, मानव हर जगह एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। और सहज योग एक अंतरतम की ही व्यवस्था है जिसका कि बाह्य से कोई संबंध है ही नहीं, तो भी चित्त जो कि प्रकृति का एक स्वरूप है, जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर आप जिस जिस देश से गुजरे हैं, जिस जिस जन्मों से गुजरे हैं, जिस जिस प्रणालियों से गुजरे हैं, जिस व्यवस्थाओं में से आपका व्यवहार हुआ है, उस सभी का टेप रिकॉर्ड है। इसके कारण हर एक देश का मैं देखती हूं मानव थोड़ा थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मानव जितना कुछ मिथ्या है उसे कितने जोर से पकड़ लेता है और सत्य को पकड़ने में कितना कचराता है, इतना धीरा होता है, इतने मुश्किल से अपनाता है सत्य को और असत्य को, बहुत बुरी तरह से अंदर में पकड़े रहता है। आश्चर्य इसीलिए होता है। पहले तो मैं सोचती थी कि मानव अपना नाम, अपना गांव, अपनी शिक्षा, अपना ओहदा, इन सब चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है। लेकिन अंतरतम में कितना गहरा उसका असर है उसको देखते ही बनता है। जितने जल्दी ये चीज अपने अंदर से छूट जाती है, जितने जल्दी मिथ्या हमारे अंदर से मिटता जाता है, उतने ही जल्दी हम लोग उस चित्त को हल्का कर लेते हैं। सहयोग में यही चित्त जो है, ये चित्त परमेश्वर से जाके भिड़ता है, यही चित्त उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश में जाके डूब जाता है, यही मानव का चित्त जो कि हम प्रकृति का एक रूप समझते हैं, प्रकृति का जो ये फूल है वो परमात्मा के प्रेम सागर में विसर्जित हो जाता है। लेकिन ये चित्त कितना बोझिल है, कितना अव्यवस्थित है, कभी कभी देखते ही बनता है। सहयोग की पहचान एक ही है कि आप कितने आनंद में उतरे, आप कितने शांति में उतरे, आप कितने प्रेम में उतरे। मिथ्या पे रहने वाले लोग सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी मेहनत से क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हमारे कुंडलिनी पर बिठा के आपको हम वहां छोड़ देंगे, लेकिन आप बार बार गिराते, उसका आनंद भी नहीं उठा पाते जहां आपको पहुंचाया। हर एक देश में एक अजीब अजीब तरह की समस्याएं हैं। अपने देश की समस्या है इसको पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी समस्या समझनी चाहिए अपने तक। दूसरे देशों की समस्या है उसे भी समझना चाहिए। जैसे कि अभी यूके में मैंने अपना कार्य
बहुत धीमा शुरू किया है, बहुत थोड़े लोगों को हाथ में लिया, ज्यादा लोगों को लेना नहीं चाहती थी। सोचा पहले 25 आदमी ऐसे जमा दिए जाए जो कुछ सहयोग पर जम जाए। आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी पहुंची हुई विभूतियां हैं वो लोग, नितांत श्रद्धा है उनकी सहयोग पर। वो सोचते हैं कि सहयोग के बगैर कोई इलाज है ही नहीं। आखिरी दशा में पहुंचने पर सहयोग अत्यंत अप्रतिम है, डायनामिक चीज है। और वो कोई प्रोग्राम है सहयोग का तो उनके लिए उससे बढ़ के महत्वपूर्ण संसार में कोई चीज है ही नहीं। और घंटों तक वे उसी में लगे रहेंगे कि सहयोग में हमने अपने को, जैसे कि ये पता नहीं क्या परमात्मा की चीज आई हुई है जो दुनिया भर में देने की है, और वास्तविकता ये है ही, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इतनी बड़ी वास्तविकता समझने पर भी उनका एक बड़ा भारी, मैं दोष तो नहीं कहूंगी लेकिन पीछा हाट का कारण है। कारण वो भारतवर्ष की योग भूमि में पैदा नहीं हुआ। परमात्मा ने ऐसे सज्जनों को न जाने क्यों उस योग भूमि में पैदा किया। इस योग भूमि में आप लोग पैदा हुए हैं और वो पैदा हुए हैं उस भोग भूमि में, जहां पर कि उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संस्कार है ही नहीं। उनको यह भी पता नहीं है कि माथे में सिंदूर का लगाना है तो वो नाक में लगाना है कि सर पे लगाना है। उनको पूजन की विधि मालूम नहीं, अर्चन की विधि मालूम नहीं, परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूम आता नहीं। उनको नीचे बैठना तक नहीं आता, कुछ भी वो नहीं जानते। इतने अनभिज्ञ हैं कि आरती बजाने पे ताली कैसे देना चाहिए वो भी नहीं समझते। और इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां, इतने आंतरिक हैं वो लोग, इतने प्रेममय हैं, इतना मेरे ऊपर उनको प्रेम है और इतना आदर है मेरे प्रति कि मैं आश्चर्य करती हूं। मेरे सामने में कभी भी गुजरते वक्त सीधे नहीं गुजरते हैं, झुक करके। इतना मेरे प्रति प्रेम उनको है कि संसार की कोई सी भी चीज मेरे आगे उनको तुच्छ लगती। इतना उनको मेरा महत्व है, उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से मेरे आदर को पूरा करें। इस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इस चीज का इतना महत्व समझते हैं और अपने प्रति अत्यंत उदासीन है, अपने पीछे डंडा लेके लगे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने को जूते मार सकते हैं आपके ऊपर जो बाधा है उसके लिए। मैंने 108 का वो 3 बार 108 में मारते हैं, जहां चांस मिलता वो अपने को मारते रहते हैं। हमसे कह लगे कोई गालियां सिखाओ, हम अपने को देना चाहते हैं, ये हम ही खराब है। कोई इंडिविजुअली बात करते, कभी मैंने देखा नहीं किसी की शिकायत या किसी के बारे में कोई बात, अपने ही को कहते और दूसरे के बारे में यही कहते हैं कि वो इतना बढ़िया आदमी कि हमें अपने पर लज्जा आती, वो कितना बढ़िया, हम तो अपने पर शर्मिंदा। उसके तरफ दृष्टि नहीं करते जिसको वो गलत सोचते, अपने ही को गलत सोचते हैं। पूरी समय आपको आश्चर्य होगा कि अपने पीछे डंडा लेकर लगे हुए, जहां मैं देखती हूं उसके बिल्कुल उल्टी बात है। सारी दृष्टि अपनी ओर लगाकर इतनी तपस्विता उन लोगों के अंदर में, और छोटे बच्चे जैसे मासूम बिल्कुल। मैं आने लगी तो ऐसे झरझर झरझर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। सहयोग उन पर डाला, सब कुछ कर लिया और उनके आंसू नहीं रुके। इतनी सहज सरल उनकी भावनाएं, अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल से 21 आदमियों से ज्यादा नहीं ऐसी महिला जोड़ पाई, लेकिन है ये बात। और जिसको कहते हैं जेन्युइननेस, असलियत। खुद मैं जेन्युइन नहीं हूं ये वो समझते हैं, कहते हैं ये मेरे अंदर कोई आकर कह रहा है कि मैं जेन्युइन नहीं हूं। मैं नहीं हूं जेन्युइन, माता जी मेरे अंदर ये कपट है, मेरे अंदर ये झूठ है, मैं इस झूठ को लिए हूं, मैं उस झूठ को लिए हूं। पूर्णतया दिल को खोल के कहते हैं और उनको कोई बात में शर्म नहीं आती। अपने को बुरा कहने में उनको जरा भी शर्म नहीं आती, लेकिन दूसरों को जजमेंट वो बिल्कुल नहीं करते। फिर यह भी बताते हैं कि हाँ मैंने ये गलत काम क्यों किया, इसकी वजह यह थी। अपना हिस्सा बताएंगे कि मेरे बाप ऐसे थे, एक बार ऐसा हुआ था, साइकोलॉजिकली ये बात है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, मैंने ये बात ऐसी क्यों करी उसका कारण वो बताते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा करता हूं।
एक आध दो लोग ऐसे भी आए थे जिन पे बहुत बाधा थी, वो अपने दिन नहीं भूलते हैं बिल्कुल भी, और चुप रहते हैं, कहते नहीं कुछ, कहते कि नहीं अभी हमें वो जो असर थे वो निकलने दो पूरे, हो सकता है अभी भी कहीं छिपे हुए असर होंगे। इतने मौन आत्मा साफ करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कमी है कि वो पूजन भी नहीं जानते, अर्चन भी नहीं जानते, विचारों को समझ भी नहीं आता। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ पैसा नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं लेती हूँ। एक दिन ऐसे मैंने कहा, मुझे ये डबल रोटी खाते थे वो, मैंने कहा ये मुझे बहुत पसंद आती, तो हर बार आएंगे तो एक एक डबल रोटी, मैंने कहा 20-21 डबल रोटी कौन खाने वाला है, मैंने ऐसे कह दिया था कहने को, ऐसे थोड़ी कि मैं रोज खाती। उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से समर्पण करें। सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, आपके सारे शास्त्र वास्त्र उन्होंने जितने अंग्रेजी में लिखे हैं सब पढ़ डाले, इसलिए सहज योग समझाना कोई मुश्किल नहीं। वो कहते हैं कि ये जड़ से सूक्ष्म में उतरने का तरीका सहज योग। उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन लिखा है अभी किताब का, पढ़ के दंग हो जाएंगे। सारे दुनिया के फिलोसोफर्स ला करके उन्होंने माँ के चरणों में डाल दिए। ये सब कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्या, इन्होंने तो प्रश्न खड़े किए, माँ ने उसका उत्तर दिया। अपने भाग्य पुक को सहारते हैं और कहते हैं कि हमारे परम भाग्य जो हम पहले माँ से मिले, और कहते हैं कि इस धरती में इतने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एक दिन सहयोग बहुत ऊंचे पद पे पहुंचने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन आप हमारी नींव है। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।